नमस्कार दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं विलंबित अथवा पीड़ा युक्त माहवारी की दवाएं बताने जा रहे हैं। तो उसी महिलाओं को कमेंट आए थे इस बारे में, तो आज हम इसका दवा बता रहे हैं। जिन लोगों को देर से आता है या बहुत दर्दनाक आता है, दर्द बहुत रहता है, तो उन लोगों को मतलब वो प्रोग्राम है, तो लेडीज़ों का आइटम है, इसको समझ लें। एक्टिया रेसिमोसा, इसका एक नाम और है सिमिसिफ्यूगा। तो एक्टिया रेसिमोसा या सिमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी में ली जाती है जब माहवारी के दौरान व उसके पहले दर्द एवं मासिक अनियमित बहुत जल्दी अथवा बहुत देर से। इसका प्रवाह इतना अधिक होता है, जितना अधिक होता है दर्द उतना ही अधिक होता है। रोगिणी नर्वस, बेचैन तथा उदास रहती है। गर्भाशय का ढीला होकर नीचे लटक आना, माहवारी के दौरान तकलीफ, रूमेटिज्म, देर से कष्टमय गर्भाशय व डिंब वृद्धि के क्षेत्र में दुखन, अपंगता की अनुभूति व सारे शरीर में झटका सा लगना, ये इस दवा के प्रमुख लक्षण। ये बहुत अच्छी दवा है, इसको अजमा लेना चाहिए सबसे पहले इसी। दूसरी दवा बताई गई है एसिड नाइट्रिक, पीड़ा युक्त आतर्व, मूत्र त्याग की सतत इच्छा, ये इसका लक्षण है। फिर है एलेट्रिस एफ, कब्जियत, मासिक प्रचुर मात्रा में समय पूर्व प्रसव पीड़ा, सरीखा, दर्द अथवा एमिनोरिया, द्रव माहवारी का न होना, द्रवों की हानि के कारण उत्पन्न कमजोरी, बांझपन, गर्भपात की प्रवृत्ति, गर्भाशय का ढीला होकर नीचे लटक जाना, तो ये दवा भी दी जाती है। इसके बाद है वाइबर्नम ओप्लस, माहवारी के पहले तीव्र दर्द जिसमें मरीजा को दोहरे होने से राहत मिलती है। जब माहवारी का प्रवाह आरंभ होता है तो दर्द गायब हो जाता है। पेट के निचले हिस्से में कालिक जो कि असहनीय होता है, दर्द एकाएक आता है, वह भी तेज से। इस दवा की मदर टिंचर की 3 बूंद की खुराक देनी चाहिए अथवा 1x पोटेंसी में देनी चाहिए। मदर टिंचर इसका ठीक है, अच्छा रहता है, उसी को देना चाहिए। इसके बाद है कैमोमिला, प्रचुर मात्रा में तथा पीड़ा युक्त माहवारी होने के परिणाम स्वरूप भयंकर कालिक, दोनों ओर में प्रसव पीड़ा, सरीखे, दर्द, डायरिया के साथ, तो कैमोमिला दवा देनी चाहिए। अगली दवा है क्रियोजोट, माहवारी बहुत पहले, बहुत प्रचुर तथा बहुत समय तक रहने वाली, गहरे रंग के तथा थक्के जमे हुए रक्त का स्त्राव, माहवारी का प्रवाह लेटने पर ही होता है, बैठने पर अथवा चलने फिरने पर बंद हो जाता है। जब भयंकर कालिक होता है तो स्त्राव साफ होता है तथा पानीदार रक्त आता है, नाभि पर दर्द, उसके बाद सफ़ेद ल्यूकोरिया होना, माहवारी के दौरान वमन तथा कलेजे में जलन, ये लक्षण क्रियोजोट के हैं। अगली दवा है लेकेसिस, माहवारी बहुत विलंब से, बहुत अल्प मात्रा में तथा बहुत थोड़ी बहुत अवधि तक रक्त स्त्राव युक्त दर्द के साथ, नाक से खून आना, खूनी पखाना, कब्जियत, ल्यूकोरिया तथा दांत में दर्द, तो ये दवा लेकेसिस चलेगी। लाइकोपोडियम, माहवारी बहुत कम अवधि की तथा बहुत देर से अथवा बहुत जल्दी होने वाली तथा बहुत प्रचुर मात्रा में, हर 6 अथवा 8 दिन पर फिर से होने वाली, तनिक से भी डर कर माहवारी का दब जाना, पेट फूलना, तो ये लाइकोपोडियम का लक्षण। अगली दवा है पल्स्टीला, दब्बू लड़कियों में माहवारी, पीड़ा युक्त जो कि नरम स्वभाव होने के कारण आसानी से भावुक होती है, ये अपनी तकलीफ बताते समय रोने तक लगती है। उसका शरीर चर्बीला होता है तथा वह ठंडी व खुली हवा पसंद करती है। जब उनकी माहवारी आरंभ हो जाती है तो दर्द समाप्त हो जाता है, ये लक्षण पस्टीला के हैं। इसके बाद है लेपिस,
एल्बस, माहवारी का दर्द इतना तेज होता है कि वह बेहोश हो जाती है। जब माहवारी आरंभ हो जाती है तो इसमें राहत मिलती है। पहले दिन खून के गहरे रंग के थक्के तथा काले लोथड़े आते हैं। कंधे के ब्लेडों के बीच दर्द होता है। सिर दर्द पर वह बाहर घूमना चाहती है। अगली दवा है सेबाइना, माहवारी में सबसे अधिक दुखी करने वाला दर्द। इसके साथ शरीर में गिरावट आना व प्रसव पीड़ा, सरीखा दर्द, टिम्ब ग्रंथियों व गर्भाशय की सूजन, तो सेबाइना दवा दी जाएगी। इसके बाद एक कार्बो एनिमल्स, पीड़ा युक्त आतर्व, गर्भाशय के आकार में वृद्धि व कठोरीकरण के साथ गड़बड़ दर्द जो चूतड़ों तक फैलता है, कब्जियत। इसके बाद है कुप्रम मेट, भयंकर दर्द ऐंठन तथा डिलीरियम के साथ, तो कुप्रम मेट। ब्यूफो, दर्द डिम ग्रंथियों तथा पेल्विस में जलन, माहवारी के पहले अथवा उसके दौरान, तो ब्यूफो देना चाहिए। कालोफाइलम, संकुचन व तेज कठिन पेट दर्द, तो कालोफाइलम देना चाहिए। कोलोसिंथ, माहवारी के पहले, माहवारी का काली तथा माहवारी बहुत पहले हो जाती है। रक्त प्रायः काले रंग के थक्कों में होता है। बदबूदार ल्यूकोरिया, माहवारी वाला काली, जबकि दोहरे होने पर तथा कड़ा दबाव डालने पर राहत मिलती है। दर्द गर्भाशय में हो सकता है, मरीज नर्वस होती है, तो कोलोसिंथ दवा दी जाती है। नेक्स्ट है सरसा परिल्ला, मासिक पीड़ा युक्त तथा डायरिया के साथ, माहवारी के समय वमन तथा बेहोशी आना, सिकुड़ी हुई चूचियां, तो सरसा परिल्ला दे। इसके बाद है लोबेलिया, लोबेलिया पीड़ा युक्त आतर्व जो कि अनियमित होता है। सारे पेट में दर्द, खास करके डिम्ब ग्रंथियों में, टांगे भयंकर रूप से दर्द करती हैं। सारे शरीर में दर्द व लगातार बेहोश हो जाती है। वमन तथा उपकाई, जबकि माहवारी विलंबित हो जाती है। इससे माहवारी के पहले तथा उसके बाद उल्टी आती है। यदि रोगिणी टूटी हुई व बुखार ग्रस्त अनुभव करती है। डायरिया मासिक अनियमितता के साथ, तो इस दवा को देना है। इसके बाद है गन पाउडर, पीड़ा युक्त व अल्प मात्रा में होने वाले मासिक की एक उत्कृष्ट दवा। मासिक का बहाव रुक जाता है तथा फिर आरंभ हो जाता है। इस दवा को 3x पोटेंसी में देना चाहिए। इसके बाद है कैस्टोरियम, माहवारी का कालिक, पीले रंग के तथा ठंडे पसीने के साथ, कैस्टोरियम दवा देनी। काली कार्ब, माहवारी या तो बहुत विलंबित तथा बहुत अल्प मात्रा में अथवा बहुत जल्दी तथा बहुत प्रचुर मात्रा में व बहुत समय तक होने वाली, तो काली कार्ब दवा देनी। इसके बाद है सीपिया, अपर्याप्त मात्रा में अथवा गंदा अथवा बहुत जल्दी होने वाला तथा बहुत प्रचुर मात्रा में होने वाली माहवारी, कमजोर व क्षीण स्त्रियों में होने वाले ऐंठन सरीखे दर्द के साथ, पहली माहवारी के देरी होने पर, जबकि माहवारी के स्थान पर ल्यूकोरिया, छाती में रक्त जम जाने के साथ होता है। पैल्विक क्षेत्र में नीचे की ओर भारीपन की अनुभूति, चिड़चिड़ा मिजाज, भूख न लगने के साथ, माहवारी के बाद वमन तथा कलेजे में जलन। इसके बाद एक ग्रेफाइटिस, अत्यधिक विलंबित, बहुत अल्प मात्रा में तथा हटी कब्जियत, पखाने में गांठदार आँव आने के साथ, बाई डिम्ब ग्रंथि में कठोरता, पत्थर सरीखे कड़ेपन के साथ, त्वचा की बीमारियों की प्रवृत्ति, मोटेपन की ओर झुकाव, तो ग्रेफाइटिस दवा दी जाएगी। इसके बाद एक कॉलिनसोनिया, भयंकर डिस्मनोरिया, बवासीर के साथ, गर्भाशय के क्षेत्र में तेज दर्द, भयंकर ऐठन, हृदय नाड़ियों में उत्तेजना, हृदय की तकलीफ जब ठीक हो जाती है तो दबे हुए मासिक वापस लौट आते हैं। अगली दवा है विराट्रम एल्बम, पीड़ा युक्त माहवारी, मौत सरीखी ठंडक के साथ,
ओठ नीले, हाथ पैर के सिरे ठंडे व नीले, टूबने शरीर की अनुभूति, हर किसी को चूम लेने की सनक, तो विराटम एल्बम। इसके बाद है मैग्नेशिया फॉस, पीड़ा युक्त माहवारी की के लिए प्रमुख दवा, दर्द में दोहरा होने से तथा गर्मी व गर्म चीज लगाने से राहत। इस दवा को ट्राइचुरेशन में तीव्र मामलों में ऊंची पोटेंसी में जैसे कि 1 अथवा CM में एक खुराक हर हफ्ते अथवा हर 15 दिन में देने से स्थायी इलाज की पुष्टि होती है। अगली दवा है कैल्केरिया फॉस। यौवनारंभ में लड़कियों में पीड़ा युक्त आतंक, जबकि उस समय असावधानी से बांझपन उत्पन्न हो जाता है। यौवनारंभ से संबंधित गर्भाशय में दर्द, प्रसव पीड़ा, सरीखा दर्द, कुछ टूटन सरीखी अनुभूति के साथ तो कैल्केरिया फॉस दवा देनी है। इसके बाद अगली दवा है बोरेक्स। माहवारी के आरंभ होने के कई दिन पहले दर्द युक्त ल्यूकोरिया, अंडे की सफेदी सरीखा व रस्सी होती है सरीखा, तो बोरेक्स दवा दे देनी चाहिए। और अगली दवा है जबरांडी। जबकि माहवारी आरंभ होती है, ठंडेपन व बेहोशी होती है, सिर में व पेल्विस में न्यूरालजिक फड़कन, सिर दर्द के साथ गर्म पानी में जबरांडी की 1 या 2 बूंद फौरन राहत देगी। इसके बाद है सीकेल कोर। माहवारी का कालिक, ठंडेपन व गर्मी से असहनशीलता के साथ गर्भाशय में जलन युक्त दर्द, भूरा बदबूदार ल्यूकोरिया, अगली माहवारी होने तक खूनी पानी का लगातार रिश्ते रहना, तो सीकल कोर दवा दी जाती है। अगली दवा है कैल्केरिया कार्ब, एक उत्कृष्ट एंटीसोरक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा, डिंब ग्रंथियों की तकलीफें, डिकेल्सिफिकेशन, कैल्शियम की कमी के साथ थायराइड तथा पिट्यूटरी ग्रंथियों की कार्यात्मक गड़बड़ी, मोटेपन का रुख, बाह्य जननेंद्रियों में खुजली, उनमें भारी मात्रा में ठंडा पसीना निकलने के साथ समय पूर्व माहवारी 2 अथवा 3 दिन पहले, कामुक स्वप्न, सिर दर्द, माहवारी से पहले नर्वस कमजोरी तथा स्तनों में सूजन, गर्भाशय में गांठ, तो कैल्केरिया कार्ब दवा देनी चाहिए। इसके बाद है हेलोनियस। निर्जीव, निष्क्रिय तथा थकी हुई रोगणियाँ जो कि अकेलापन चाहती हैं, विलंबित माहवारी, डिंब ग्रंथियों की अपर्याप्तता के साथ माहवारी बदबूदार तथा थक्के वाली, इसका संबंध नेफ्राइटिस, मधुमेह, एल्बुमिनेरिया तथा फास्फेटुरेरिया के साथ हो सकता है। अगली दवा है कोनियम। अल्प मात्रा में माहवारी, दोनों डिंब ग्रंथियों में भयंकर दर्द के साथ प्रायः पित्ती से संबंधित जो कि चेहरे व धड़ को प्रभावित करती है। अविवाहित लड़कियों के लिए मासिक जो कि उदास, दब्बू व रोने की प्रवृत्ति वाली होती है, तो कोनियम दवा देनी चाहिए। इसके बाद है ओपोरिनम। माहवारी हर 40 से 65 दिनों पर होना तथा पीड़ा युक्त व अल्पावधि वाली व भगोष्ठ में खुजली, जब इतने लंबे डिस्टेंस पे होती है तो ओपोरिनम दवा देनी चाहिए। इसके बाद है जेंथोसाइलम। दबी हुई, विलंबित तथा पीड़ा युक्त माहवारी ल्यूकोरिया के साथ अथवा उसके बगैर इस दवा को 1x डाइल्यूशन में हर 3 घंटे पर देना चाहिए, 1x। इसके बाद है मैग्नेशिया कार्ब। पीड़ा युक्त माहवारी जो कि प्रायः बहुत विलंब से व अल्प मात्रा में होती है, स्त्राव रात में व लेटने के वक्त अधिक प्रचुरता में होता है तथा खड़े होने पर अथवा चलने पर बंद हो जाता है, माहवारी से पहले कुत्ते की तरह भूख, हर समय खाने की भूख तथा पेट दर्द, उबकाई, अपंग,
करने वाला, दुखने वाला, दर्द भयंकर गालिक, तो इस दवा को देना चाहिए मजनसिया का। इसके बाद अगली दवा है नक्स भूमिका। माहवारी बहुत पहले व बहुत लंबे समय तक चलने वाली तथा इसके होने के पहले पोस्टरियर सर्वाइकल व मांसपेशियों में खिंचाव वाला दर्द, गूज फ्लैश के साथ आलस्य तथा सिरों पर रूमेटिज्म, बेचैनी, चिड़चिड़ापन तथा झगड़ालू मिजाज, गर्भाशय में ऐठन, तब इस दवा को देना चाहिए। इसके बाद अगली दवा है फास्फोरस। माहवारी बहुत पहले बहुत प्रचुर तथा बहुत अधिक समय तक चलने वाली दोनों ओर कालिक, माहवारियों के बीच रक्त का स्त्राव होना, जब माहवारियाँ बहुत अल्प मात्रा में होती हैं तो उनके होने से पहले ल्यूकोरिया व कटन वाले दर्द होते हैं, मानो चाकू से काटा जा रहा है, रोने का मूड तथा पित्त की उल्टी करना, तो फास्फोरस दवा दी जाएगी। और नेक्स्ट है प्लेटिना। माहवारी बहुत पहले तथा बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसव पीड़ा, सरीखा, दर्द व ऐठन के साथ स्त्राव काला, उसके बाद ल्यूकोरिया, बेचैनी, अनिद्रा, संकालु स्वभाव, श्रेष्ठ होने की भावना, ऐठन, काली तथा भगोष्ठ के ऊपर दबाव, पेट में खिंचाव, कब्जियत तथा बार बार पेशाब करने की इच्छा, तो प्लेटिना दवा देनी चाहिए। इसके बाद है सल्फर। कम मात्रा में व पीड़ा युक्त दुख, उत्पीड़न, कब्जियत तथा पेट के फूलने के साथ एक संस्थानिक दवा, जब अन्य चुनिंदा दवाएं फेल हो जाए तो थोड़ी सी सल्फर दे देनी चाहिए। 200 पोटेंसी में एक डोज दे देना चाहिए, 10-10 मिनट में तीन बार एक दिन, उसके बाद जो है 24 घंटे के बाद से दूसरी डोज। इसके बाद अगली दवा अर्जेंट नाइट्रिक। पीड़ा युक्त आतर्व प्रचुर मात्रा में रक्त स्त्राव के साथ न केवल गर्भाशय से बल्कि नाक, छाती, मुंह आदि से भी, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा देनी चाहिए। तो दोस्तों, इन दवाओं के माध्यम से माहवारी को नियमित और दर्द मुक्त किया जा सकता है और आसान किया जा सकता है। तो जिन लोगों को इस टाइप की तकलीफ है वो वीडियो में अपने लक्षण से दवा मैच करके चुन लें, एक दो या तीन दवा एक साथ कर सकते हैं, और चाहे तो गोली में अलग अलग एक ग्राम प्लास्टिक की शीशी में गोली भर करके 15-15 बूंद दवा डाल करके 3 शीशी बना लें, 1-2-3 नंबर, और इसी तरीके से नियमित रूप से उसका सेवन करते रहें और निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। और एक इसमें बायोकेमिक दवा भी सहयोगी दवा के रूप में लेना चाहिए, वो निश्चित रूप से अपना काम करती है। तो होम्योपैथिक के साथ बायोकेमिक ले लेने से बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। तो इसमें बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15 लेनी रहेगी, तो BC 15 की 4-4 गोली दिन में 4 बार या 5-5 गोली दिन में 3 बार लगातार लेनी चाहिए, और 10-15 मिनट के अंतर से होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इन दवाओं से निश्चित रूप से माहवारी की गड़बड़ियों का इलाज हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मिलते हैं अगले वीडियो।